कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। कलर बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। जम्मू में एयरफोर्स के बेस पर हुए ड्रोन के हमले के मलबे की जांच में सेना से इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटकों के होने की बात सामने आई है। ड्रोन में स्टील केस में रखे मिलिट्री ग्रेड के विस्फोटकों से अंदेशा पैदा हुआ है कि हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन के लिंक युद्धक सामग्री तैयार करने वाले डिपो से है। जांच में RDX जैसे विस्फोटकों के उपयोग की बात भी सामने आई है। दोनों ID 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉप किए गए थे। 50,000 का इनामी बलात्कारी बाबा सचिदानंद को लखनऊ की STF टीम ने अमराहों से गिरफ्तार कर बस्ती पुलिस के हवाले किया। बाबा सचिदानंद उर्फ दयानंद पर अपनी ही शिष्याओं साध्वियों के बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। कई वर्षों से फरार बाबा के आश्रम की तत्कालीन CO सिटी आलोक सिंह ने कुर्की तक की कार्रवाई की थी, लेकिन बाबा पुलिस के हाथ नहीं आया था। बाबा सचिदानंद का जाल देश के कई राज्यों में फैला होने का बताया जाता है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला को गुजरात सरकार की तरफ से 1,000 हेक्टेयर जमीन का ऑफर दिया जा रहा है। ये जमीन कच्छ तट के पास मुंद्रा में है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरफ से भी टेस्ला को लुभाने की कोशिशें हो रही हैं। महाराष्ट्र सरकार और टेस्ला के अधिकारियों के बीच भी 4 मीटिंग हुई है। टेस्ला ये तय नहीं कर पाई है कि उसे कहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी चाहिए, इसलिए वे कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों से बात कर रही है। बिहार की राजनीति में लोजपा पर कब्जा जमाने के लिए सियासी उठापटक जारी है। उनके भाई पशुपति पारस ने नया पैतरा लिया है। पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए। पारस गुट ये भी चाहता है कि CM नीतीश कुमार रामविलास को भारत रत्न देने की सिफारिश करते हुए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजे। साथ ही उन्होंने पटना या हाजीपुर में रामविलास की आदमकद प्रतिमा लगाने की भी मांग रखी है। मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राना के घर देर रात पुलिस पहुंची और तलाशी ली। वे उनके बेटे तबरेज को गिरफ्तार करने गई थी। मुनव्वर राना की बेटी फौजिया ने आरोप लगाया कि पुलिस हमारे परिवार वालों को बेवजह प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें शायर के घर पर कई पुलिस वाले दिख रहे हैं। उनके अनुसार पुलिस की संख्या 100 के आसपास थी। फौजिया ने लिखा है कि UP पुलिस का आतंक हमारे घर पर। जायडस कैडिला ने ड्रग कंट्रोलर से अपनी वैक्सीन जायकोव डी के आपत इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। भारत में अब तक मंजूर टीकों में से ये कई मायनों में अलग है। इस वैक्सीन का देश में 28,000 लोगों पर ट्रायल किया गया। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन का 12 से 18 साल के करीब 1,000 टीनेजर्स पर भी परीक्षण किया गया और इसे पूरी तरह सुरक्षित पाया गया। ये 3 डोज वाली वैक्सीन है और इसके लिए सुई नहीं दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी सिर उठाने लगे हैं। पुलवामा में उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाई। इसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। देर रात से मुठभेड़ जारी है। पुलवामा के हांजिम राजपोरा इलाके में ये एनकाउंटर हो रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। क्रॉस फायरिंग के दौरान एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। एक अधिकारी ने बताया कि संभवतः घटनास्थल पर 3 से 4 आतंकवादी मौजूद है, वे फायरिंग कर रहे हैं। 82 साल की बैरियर ब्रेकिंग महिला एविएटर वैली फंक जेफ बेजोस के साथ उनके पहली क्रू स्पेस फ्लाइट में शामिल होगी। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिनल ने इसकी घोषणा की। 1960 से 1961 के बीच बुध ग्रह पर जाने के लिए वैली फंक को प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन बाद में लिंग भेद की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। 20 जुलाई जेफ बेजोस और वैली फंक अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे और इसी के साथ वैली फंक दुनिया की
पहली सबसे उम्रदराज महिला बन जाएंगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शासन के आदेश पर मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन से उन्हें दो और गनर उपलब्ध कराए गए हैं। अब 3 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। भाकियू नेता को मिल रही लगातार धमकियों के मद्देनजर शासन ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। टिकैत 3 कृषि कानूनों के विरोध में बीते 7 माह से 24 नवंबर से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें 3 बार धमकियां मिल चुकी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। शुरुआत में ही ममता सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की आशंका तेज हो गई है। विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ शुरू होगी, लेकिन धनखड़ पहले ही कह चुके हैं कि सरकार की सभी लिखी चीजों को वह सदन में नहीं बोलेंगे। नियमों के मुताबिक विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। तो टॉप 10 की खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।